गाइस वेलकम बैक टू इंडियन टॉक, दिस इज आयुष। आज अपने साथ में है थार 5 डोर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका रेड कलर। मैंने इसके पहले दो और नए कलर आपको बताए, आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लेना, बट अभी फिलहाल ये रेड कलर देख लो। आप लोग यहाँ पर चेकआउट करो, नई ग्रिल काफ़ी बढ़िया लग रही है थार के अंदर। यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है, रेडिएटर ग्रिल यहाँ पर है, और ये ऑल न्यू हेडलैम्प हाउसिंग, DRL यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोजेक्टर LED सेटअप यहाँ पर आपको मिल रहा है, LED टर्न इंडिकेटर दिए गए हैं फ्रंट में कैमरा के साथ साथ में, यहाँ पर सेंसर भी है, और यहाँ पर व्हाइट कलर के ग्लेंस भी दी गए। ग्रे एंड ब्लैक कलर का फ्रंट में बम्पर मिल जाता है आपको। 6 कलर अभी मैंने थार के देखे, ऑफिशियली कितने लॉन्च होंगे आई डोंट नो अबाउट दैट। ये 3rd कलर है जो मैं वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले 2 कलर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आगे भी 3 कलर और आपको बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन हो जाना चाहिए। एक बार साइड लुक लेते हैं, बट साइड लुक इस कार का नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पर स्पेस की कमी है। पीछे आप आएंगे तो मेरे पास में एक और थार है और वो भी 5 डोर के अंदर है, तो यहाँ पर इसका साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट करो, कितनी बड़ी हो गई है। व्हील बेस बड़ा हो गया बिकॉज एक्स्ट्रा डोर इसके अंदर आ गया है। इस डोर का जो गेट है वो यहाँ पर है, और इस तरीके से आप इसको ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। बहुत ही स्वीट थर्ड जो है वो यहाँ पे आपको सुनने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे एंटीना फेंडर पे ये जो मिरर्स है ना, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट फोल्डेबल फंक्शन के साथ में आते हैं। ये जो फ्लोर बोर्ड है ये काफी रगेड है फाइबर का, बट आराम से आप यहाँ पर ऐसे खड़े हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देन उसके बाद में यहाँ पे हिंजेस आपको मिल रहे हैं। हाँ, वन मोर थिंग, डोर की ओपनिंग देखो, ऑलमोस्ट 90 डिग्री जो है वो रियर वाला गेट ओपन हो रहा है, ये देख सकते हो, क्लोज टू द 90 डिग्री, शायद 89 होगा फॉर श्योर। यहाँ पर आपने चेकआउट करा, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स है। यहाँ पर आपको फ्रंट एंड रियर में दोनों में डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल 255/60R19 है। यहाँ पर ये जो कलर है आपका रेड कलर, इसका रियर लुक एक बार आप चेकआउट करो। ये मैं आपको दिखा रहा था जो इंडिकेटर है ना, ये हेलोजन के अंदर है। रियर से कार कुछ इस टाइप से दिख रही है, नई LED लाइट्स यहाँ पर आ गई है, बैक लाइट आ गई है। टर्न इंडिकेटर एक इस तरफ से आप लोग चेकआउट कर लो कि टर्न इंडिकेटर आपको यहां पे कुछ LED के अंदर इस तरीके से देखने मिल रहा है। नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स हैं, पार्किंग कैमरा जो है वो यहां पर माउंट करा गया है रियर के लिए, और यहां पर भी आपको फुल साइज स्पेयर टायर मिलता है, वही 19 इंचेस का, वही अलॉय व्हील, सेम साइज, दैट्स इट। ये चीज कितनी बढ़िया है। बाकी बेस मॉडल में क्या मिलेगा वो अपन देखेंगे, शायद 18 इंचेस का मिलेगा। यहां पे भी एमिनिटीज में सभी चीजें हैं, स्टॉप माउंट लैंप, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर। इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा ओपन है बट स्टिल पहले से इसको शॉर्टेड कर दिया गया है। पहले जैसे ऐसे वायर रहता था, अब इसके अंदर ये ऐसे फैब्रिक सा लगा दिया गया है जो कि इसको थोड़ा सा सेफ भी रखेगा। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया स्पेस है, सीट जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये फोल्डिंग फंक्शन के साथ में सीट्स आती है, 60-40 स्प्लिट सीट। यहाँ पे 12 वॉट का पावर सॉकेट है, हर्मन गार्डन का सबवूफर दिया गया है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, ऊपर रूफ में भी बहुत सारे स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। व्हाइट एंड ब्लैक कलर का इंटीरियर है, डिटेल में मैंने बहुत बार बताया, आपने नहीं देखा है देख लेना, आगे और वीडियो में बताने वाला हूँ। चलते और नेक्स्ट कलर की तरफ, आगे जो नेक्स्ट कलर है वो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, तो मेक श्योर आप लोग नोटिफिकेशन ऑन करो। ड्राइव सेफ, राइड सेफ।